प्रेगनेंसी का पांचवा महीना आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से काफी खास होता है। इस महीने में प्रेग्नेंट औरत की काफी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और उन्हें उल्टी, मतली, घबराहट, मॉर्निंग सिकनेस ऐसी परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट औरत का खाने का बहुत कुछ मन करता है। ऐसे में पांचवें महीने में पेट में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास के लिए भी काफी अहम है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला के लिए खुद को और अपने होने वाले बच्चे को हेल्दी रखना जरूरी है, क्योंकि माँ की अच्छी हेल्थ पर ही बच्चे की हेल्थ निर्भर होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में आपको ऐसी कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे आगे चलकर आपका बच्चा स्मार्ट पैदा हो। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में ऐसी कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि आपका होने वाला बच्चा स्मार्ट पैदा हो। इसके लिए सबसे पहली चीज है हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रेगनेंसी में हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करने की सलाह हर प्रेग्नेंट औरत को दी जाती है, क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है जो पेट में पल रहे बच्चे के ब्रेन के विकास में कारगर साबित होता है और बच्चा स्मार्ट पैदा होता है। साथ ही जिंक, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम और विटामिन सी की अच्छी सप्लाई के लिए भी हरी सब्जियां बेस्ट होती है। इसलिए प्रेग्नेंट औरत को हर दिन 1 से 2 सर्विंग हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, जिससे शिशु को फ्यूचर में कोई भी मानसिक कमजोरी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा प्रेगनेंसी में पांचवें महीने में दूसरी चीज होती है ब्लूबेरी। ये अपने रसीलेपन और खट्टे मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल भी पेट में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास के लिए फायदेमंद होता है। एक रिसर्च के अनुसार ब्लूबेरी हिप्पोकैम्पस की मसल्स की ग्रोथ को बढ़ा देता है, और हिप्पोकैम्पस दिमाग की एक मसल होती है जो किसी भी चीज को जल्दी सीखने और बच्चे की याददाश्त को अच्छा करती है। वहीं ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी फायदेमंद पाया जाता है। इसी के चलते ये होने वाले बच्चे को न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाता है, और इस बेसिस पर ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में होने वाले बच्चे की बुद्धि के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में स्मार्ट बच्चा पैदा हो उसके लिए आप अंडे भी खा सकती हैं, क्योंकि अंडे खाने में जायकेदार और हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में अंडे खाना पेट में रह रहे बच्चे और माँ दोनों के लिए लाभकारी होता है, लेकिन अंडे में कई माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो इन्हीं में से एक है कोलिन, जो होने वाले बच्चे की दिमाग की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह आपके दिमाग को शार्प करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट औरत प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में अंडे खाए तो उनका बच्चा स्मार्ट पैदा होगा। साथ ही प्रोटीन की कमी पेट में पल रहे बच्चे को कुपोषण का शिकार बना सकती है, जिसका असर भविष्य में बच्चे के दिमागी विकास और उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोबायोटिक शॉर्ट चेन फैटी एसिड को खाने से आपका बच्चा स्मार्ट पैदा होगा, क्योंकि ग्रीक योगर्ट में नॉर्मल योगर्ट से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें शुगर की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक अच्छा स्नैक्स माना जाता है। और कद्दू के बीज भी जिंक और आयरन का एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं। आयरन की कमी से होने वाले बच्चे में हीमोग्लोबिन और एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। साथ ही ये आयरन की कमी मोटर स्किल और कॉग्निटिव स्किल जैसी मानसिक क्षमताओं पर बुरा असर डालती है, क्योंकि आयरन पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिससे आपकी ब्रेन सेल्स को काम करने की ताकत मिलती है। इसलिए आयरन की कमी से बचने के लिए आपको प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में कद्दू के बीज खाने चाहिए। और प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में अंगूर भी आपके होने वाले बच्चे को स्मार्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि अंगूर में अच्छी मात्रा में रेस्वेराट्रोल नाम का न्यूट्रिशंस पाया जाता है, और रेस्वेराट्रोल की मदद से ही आपके और आपके होने वाले बच्चे के दिमाग में प्रोटीन एक साथ चिपका नहीं रहता, जिससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को अल्जाइमर जैसे रोग का जोखिम कम हो जाता है। वैसे तो अल्जाइमर बढ़ती उम्र में ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी जेनेटिक कारणों के चलते ये आपके होने वाले बच्चे को भी हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्मार्ट पैदा हो तो आप प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में अच्छी मात्रा में अंगूर खाएं। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने आपको इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।